हेलो दोस्तों, नाउ दिस इज पार्ट थ्री। हमने पहले वीडियो में देखा टाइप अपने पार्टनर्स और उसके फीचर, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर क्या होते हैं। दूसरे वीडियो में देखा टाइप्स ऑफ पार्टनर, नाउ हम मेरिट्स और डीमेरिट्स करेंगे। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हो जाएगा व्हाट डू यू मीन पार्टनर एंड व्हाट डू यू मीन पार्टनरशिप एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, राइट। तो आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स समझना है। अब देखते हैं व्हाट इज मेरिट। मेरिट्स मतलब क्या, क्लाइंट को बताना है फायदा, और डीमेरिट्स मतलब नुकसान। दोनों बताना कि क्या फायदे क्या नुकसान है, तब जाके वो बंदा सोचेगा कि सच में उससे करना है कि नहीं करना, राइट ना। कि प्रो और कॉन्स दोनों चीजें होती है। सर मेरिट्स क्या ध्यान देते हैं, पहला तो इजी फॉर्मेशन, क्या लिखना है भाई, पार्टनरशिप फॉर्म है क्योंकि दो लोग होते हैं, दो लोग साथ में आएंगे, इजीली पार्टनरशिप फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। सर कंपनी जितना यहां पे कॉम्प्लिकेशन या फिर कंप्लायंसेस नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था, कैपिटल। यस सर, ये एक मेरिट है क्योंकि आपको सोल ट्रेडिंग में एक बंदा रहता है, एक पार्टनर रहता है, वहां पे कैपिटल का कैपिटल कम जमा होता है, बट जब दो और ज्यादा लोग साथ में आते हैं तो उतना ही कैपिटल ज्यादा रहेगा, तो सेकेंड एडवांटेज इज कैपिटल। थर्ड पॉइंट सर, बिजनेस सीक्रेसी। या बिकॉज ऑफ थ्री और फोर पर्सन, आप चार दोस्त, आप में और अपना तीसरा दोस्त, हम तीन ही लोग हैं, तो हम अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे सक्सेस होने के। तो ये हो गया सीक्रेसी। तो वन ऑफ द एडवांटेज, वन ऑफ द मेरिट इज दैट कि हमारा जो सीक्रेट है वो हम तीन चार लोगों के बीच में ही रहेगा, तो एक एडवांटेज है, राइट। एडवांटेज नंबर फोर, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। यस, क्या हो जाता है कि आपका, देखो द पार्टनरशिप कैन हैव कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस इवन आफ्टर द डेथ ऑफ और इंसॉल्वेंसी और इनसैनिटी ऑफ वन ऑफ द पार्टनर। एक मर गया, ठीक है, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब आपको समझता ही रहेगा। यस सर, इंसॉल्वेंट मतलब क्या कि जो पूरी तरह से कंगाल हो गया, शिवाजी द बॉस, समझा गया। शिवाजी द बॉस में क्या था, आपको याद है रजनीकांत, जो लास्ट मोमेंट पे सब उसका घर बार बेचना पड़ता है और रोलेक्स की वॉच भी निकाल लेते हैं, राइट। तो इंसॉल्वेंट एंड देन व्हाट, इंसैनिटी, पागल हो गया। तो आप में और तीसरा बंदा, राइट, अगर मैं पागल हो जाता तो तुम दोनों पार्टनरशिप फॉर्म चला सकते हो, तो इसलिए कंटिन्यू एग्जिस्टेंस है। तो वन ऑफ द एडवांटेज आप बोल सकते हो सर, लेकिन एटलीस्ट क्या, दो लोग चाहिए, अगर एक हुआ तो नहीं चलेगा, ये हमने फ्यूचर में देखा था करके। यस, देन फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन बेटा, तो पेज नंबर 66 पे, राइट ना, गवर्नमेंट टेक्सटबुक। या सर, देयर इज अ मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप में एक्सपांड और डाइवर्सिफाई बिजनेस एक्टिविटी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब उसे चाहिए तब वो एक्सपांड कर सकती है, डाइवर्सिफाई कर सकती है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल है। देयर आफ्टर पार्टनर कैन चेंज लाइन ऑफ बिजनेस, तो ये हमने इधर भी किया था फ्यूचर में, तो दैट्स व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन। देन डिसीजन मेकिंग। या बेटा, अब तू यहां पे देखेगा तो कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग, यहाँ पे कंपेयर टू कंपनी डिसीजन फास्ट होता है। विचार लोग रहते हैं तो एक 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 दूसरे को पूछते हैं और तुरंत डिसीजन हो जाता है, क्योंकि चार लोग हैं तो थोड़ा रैशनल डिसीजन रहेगा, थोड़ा सोचा समझा हुआ कॉल रहेगा, रादर देन यही डिसएडवांटेज था सोल ट्रेडिंग का। बंदा अपना हिसाब, अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा है, बट रैशनल डिसीजन कहां पे आएंगे, पार्टनरशिप में, बिकॉज मोर देन टू थ्री पर्सन कुछ सोच रहे और सोच समझ के डिसीजन ले रहे, दैट्स वन ऑफ द एडवांटेज इज व्हाट, डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन होता है, रैशनल डिसीजन होता है। नेक्स्ट व्हाट, एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप। There is a direct relationship between efforts and reward, जैसे partnership अपने sole trading में था, वैसे ही language यहाँ पे आ रहा है। In case of partnership business, each and every partner puts his best effort and thus reward are shared amongst them. If partnership agreement provided, active partner may get higher share profit as compared to other partner in the organization. Yes, अगर partnership agreement ने ये बताया हुआ है कि बेटा कि जो काम करेगा वो ज्यादा कमाएगा, जैसे तू काम कर रहा है मैं dominant partner हूँ, बट ऑब्वियस कुछ शेयर तुझे ज्यादा रहेगा। देन आफ्टर गुडविल। गुडविल मीन्स व्हाट, रेपुटेशन ना, नाम। गुडविल मीन्स द वैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इन टर्म ऑफ मनी, राइट। तो वो इन टर्म ऑफ किसमें कैलकुलेट किया, मनी में के टर्म में कैलकुलेट किया, दैट इज द गुडविल, गुडविल का वैल्यू। द पार्टनरशिप एंजॉय गुड अमाउंट ऑफ गुडविल इन द मार्केट। द गुडविल इन द मार्केट इज ड्यू टू क्वालिटी सर्विस, बेटर सर्विस टू कस्टमर, एथिकल वर्किंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। नॉर्मली इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, पार्टनर हैज टू ब्रिंग सर्टन अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फर्म। अब देखो सिंपल बताता हूं, बहुत बार एक्सप्लेन तो मुझे बहुत करना है, बट क्यों, कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर फटाफट खत्म कीजिए, बट कुछ पॉइंट पे हमें टाइम लोगा। क्या होता है सर कि आप और हम दोनों ने मिलकर एक चीज, एक पार्टनरशिप कुछ सालों से बढ़ाई, राइट, उसका एक नाम, एक रुतबा खड़ा किया मार्केट में, एक रेपुटेशन क्रिएट किया, और सडनली कोई तीसरा बंदा हमें ज्वाइन करना चाहता है। अब एक लॉजिकल पॉइंट है, एक नेचुरल पॉइंट है, तू और मैं बोलेंगे कि यार ठीक है ना, कि यार सर आप दोनों थे इतने दिनों से मेहनत करके आप लाया, अब तीसरों को ऐसे क्यों इंटर करे, उससे कुछ तो पैसा चार्ज करना चाहिए।
राइट, तो इसीलिए जो पैसा हमने जो नाम कमाया, जो रुतबा कमाया, जो रेपुटेशन कमाया, उसका मॉनिटरी वैल्यू, तो इसलिए उससे गुडविल इन मतलब गुडविल का पैसा लेते हैं कि भाई तुझे उतने कष्ट मेहनत नहीं करनी पड़ी जितना हमने किया था, तो अब तू सीधा आके मलाई खाने वाला है, तो क्या कर उतना पेटा पैसा तू देता है, गुडविल का अमाउंट। ओके, आगे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफी है। एंड लास्ट पॉइंट, स्पेशलाइजेशन इन पार्टनरशिप बिजनेस, सम पार्टनर मे बी गुड एट डिफरेंट स्किल्स सच एज फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, व्हिच ब्रिंग इन स्पेशलाइजेशन इन पार्टनरशिप बिजनेस, दिस स्पेशलाइजेशन ऑल्सो ब्रिंग हायर इफिशियंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस दोस्तों, आप पेज नंबर 67 पे पढ़ रहे हो और ये मेरे साथ पढ़ो ताकि आपको समझे कि क्या चीज चल रही है, या कि हम लोग, हम दोनों के पार्टनर जब ज्यादा रहेंगे, जैसे कि तुम प्रॉपर बोलते ना कि स्किल है तुम्हारा कम्युनिकेशन में, स्किल है तुम्हारा टेक्नोलॉजी में, स्किल है तुम्हारा फिनेंस में, स्किल है तुम्हारा एडवर्टीजमेंट में, स्किल है तुम्हारा सोशल मीडिया में, तुम ज्यादा एक्टिव हो, तो ये चीजें जो तुम्हारे आइडियाज है, हम दोनों जब पार्टनर है, हम चारों जब पार्टनर है दोस्तों, तो हम लोगों के अलग अलग स्किल हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में काम में आते हैं। तो ये थे एडवांटेज, खत्म हो गए, 9 पॉइंट थे सर, 9 पॉइंट खत्म हो गए लेकिन अभी तक एक भी याद नहीं रहा, तो कैसे याद रखें, मेमोरी टेक्निक इसका क्या है सर, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, तो याद रख बेटा कि मेरिट्स क्या रहेंगे, तो जो तू कैपिटल है उसका एफडी करके रखेगा, अब लॉजिक सब साइड में रखने का, तू कैपिटल का एफडी करेगा, तू सेव करेगा ताकि तेरे को ईसीजी मशीन पे ना चढ़ाया जाए, सर क्या बोल दिया, कैपिटल का एफडी करेगा, एफडी मतलब समझता ना, फिक्स डिपॉजिट, तू सेफ खाएगा, SEB सर क्या, कुछ भी तू याद रख, तू कैपिटल एफडी करेगा, सेफ खाएगा, क्यों, क्योंकि ACG बोलते ना कि आप रोज एक सेफ खाइए, हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, ECG स्कैनिंग, ECG कितने वर्ड है, कैपिटल एफडी सेफ ECG 9 पॉइंट रहता, व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल से इससे पॉइंट है कैपिटल सर, दूसरा पॉइंट है एफडी, एफ से क्या था, फ्लेक्सिबल ऑफ ऑपरेशन, डी से क्या बेटा, डी से क्या था, डिसीजन मेकिंग, 3 पॉइंट हो गए, कैपिटल, फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन, डी से डिसीजन मेकिंग, कैपिटल एफडी हो गया, दूसरा क्या था, सेफ, एस से क्या था, स्पेशलाइजेशन, ई से क्या था, ई से इजी फॉर्मेशन, बी से क्या था, बिजनेस सीक्रेसी, राइट, 3 पॉइंट, स्पेशलाइजेशन, इजी फॉर्मेशन, बिजनेस सीक्रेसी, और क्या नहीं होगा, ECG, ई से क्या था बेटा, लाइक ई से नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सी से तेरा पॉइंट है, चलो ई के बाद इफर्ट्स एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप, या मिल गया इफर्ट एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप, सी से है तेरा कंटिन्यूड एग्जिशन, और जी से है गुडविल। फाइनली सर, अब शांति से सुनो, लर्न कर लो, मेमोरी टेक्निक क्या था, मेरिट्स आए तो क्या है भाई, सेव खा रहे, मेरिट्स याद आया, सेव याद आएगा तो बोलेगा पार्टनर एफडी कर रहा है, सेव कर रहा है ताकि ECG पे नहीं चलेगा, पार्टनर एफडी सेव ECG, इतने वर्ड देखो, पार्टनर से पार्टनर, एस से क्या था तेरा पार्टनर, सॉरी एफ से क्या था, फ्लेक्सिबल ऑपरेशन, डी से क्या था, डिसीजन मेकिंग, एस से है तेरा पॉइंट राइट सीक्रेसी, सॉरी स्पेशलाइजेशन, देन सेव, ई से पॉइंट है इजी फॉर्मेशन, देन बी से पॉइंट है व्हाट, बिजनेस सीक्रेसी, राइट, फिर ECG क्या था पॉइंट था, इफर्ट्स एंड रिलेशन रिवॉर्डशिप, जो भी रहेगा इफर्ट्स एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप, सी से तेरा पॉइंट था कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, और जी से है गुडविल। यस दोस्तों, तो यहाँ पे आपके हो गए मेरिट्स खत्म, ठीक है, या थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट टाइप रहेगा, नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका डीमेरिट्स का, उसके लिए देखिए और उसे लर्न कर लीजिए, या तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।